ये देखिए, आज हम लोग बना रहे हैं पालक के चटपटे ढोकले। आपने पालक की सब्जी ट्राई की होगी, पालक के आपने पकौड़े भी खाए होंगे, लेकिन पालक की ये रेसिपी आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक, इजी एंड सुपर हेल्दी रेसिपी लेके आई हूँ। पालक के ढोकलों को हम दो तरह से खा सकते हैं। एक हम ढोकलों को डायरेक्ट खा सकते हैं नमकीन ढोकलों को, और एक हम नमकीन ढोकलों के अंदर घी और चीनी मिला के उसका हम चूरमा बना के खा सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रीति, वेलकम बैक इन माय चैनल प्रीतिस केक एंड कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। पालक के ढोकलों के लिए हम यहाँ पे 500 ग्राम पालक लेंगे। उसको मैंने बारीक कट करके अच्छे से साफ पानी से 3-4 बार धो लिया है, और यहाँ पे हम इसमें 4 कप गेहूँ का आटा मिलाएंगे। फिर यहाँ पे हम इसमें 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे। फिर हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे, और फिर यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून हींग एंड 1 टेबल स्पून साबुत धनिया एंड 1 टी स्पून हम यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, और 1/4 कप यहाँ पे हम ऑयल ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा और ऑयल डालने से हमारे जो ढोकले हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको हम ड्राई ही मिक्स करेंगे ताकि सारे जो मसाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो हम यहाँ पे 1 कप पूरा पानी डाल देंगे हमारे इस पालक में। और यहाँ पे हमें बिल्कुल गीला आटा लगाना है। हमें रोटी का आटा होता है वैसा हमें आटा बिल्कुल नहीं लगाना है, हमें बहुत ही गीला आटा चाहिए पालक के ढोकलों के लिए। आटा आपके हाथों में चिपकेगा जब आप आटा लगाएंगे, क्योंकि हम गीला आटा लगा रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह का ही गीला आटा चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा बिल्कुल बन के रेडी है। अभी यहाँ पे हम पालक के ढोकलों को इडली के पॉट में बनाएंगे। इडली के जो प्लेट्स हैं, इसके जो खाने हैं, उनमें हम सभी खानों में थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे और हाथों से इसको थोड़ा फैला देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी खानों में अच्छे से तेल लगा लिया है, और हम हाथों को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि हम जो लोई बनाएंगे आटे की वो हाथों में चिपके ना। तो हमें छोटी छोटी लोई बना के हर खानों में रखना है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से हम लोई बना लेंगे, और हर खानों में थोड़ा थोड़ा दबा के प्रेस करके हर लोई को रखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सभी खानों में लोई भर ली है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इडली के पॉट में पानी डाल के उसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। हमारे पानी में अच्छे से उबाल आ रहे हैं। अब हम हर एक प्लेट को इस पॉट में रखेंगे, और इसको ढक्कन लगा के हमें 10 मिनट तक इसे हमें स्टीम करना है हाई फ्लेम पे। 10 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नाइफ की हेल्प से चेक करेंगे। नाइफ को हम ढोकलों के अंदर डालेंगे, और देखिए थोड़ा सा चिपक रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 मिनट तक और हाई फ्लेम पे से स्टीम करना है। देखिए 2 मिनट भी हो चुके हैं, अभी हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नाइफ बिल्कुल स्मूथ निकल गया है। तो यहाँ पे हमारे ढोकले अच्छे से स्टीम होके रेडी हैं। इनमें से हम 2 ढोकलों का चूरमा बनाएंगे, बाकी ढोकलों को हम इडली के पॉट में ही रहने देंगे जिससे कि वो गर्म रहे। और यहाँ पे हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, और हमें इस पे ढक्कन लगा देना है। तो यहाँ पे अब हम चूरमा रेडी कर लेते हैं। जो हमने 2 ढोकले लिए थे वो बहुत गर्म है, उसको हम आराम से देखें इस तरह से टुकड़े करेंगे उसके, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर अभी यहाँ पे हम चूरमे के अंदर 4 टेबल स्पून घी लेंगे, और घी के साथ में हम यहाँ पे 3 टेबल स्पून पाउडर शुगर लेंगे, पिसी हुई चीनी लेंगे। फिर यहाँ पे हम पालक के ढोकलों को घी और चीनी के साथ में अच्छे से चूर लेंगे। इसको हमें बिल्कुल अच्छे से चूरना है, इसमें कोई भी बड़ी गांठें ना रहे। अब देखिए इस तरह से हमारे पालक के ढोकले का चूरमा रेडी हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप इसे बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमें कमेंट दीजिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमारे पालक के ढोकले बन के बिल्कुल रेडी है, और हमने यहाँ पे इसका चूरमा भी रेडी कर लिया है। तो आप पालक के ढोकलों को बिना चूरमा बनाए भी खा सकते हैं, और आप इसका चूरमा बना के भी इसको खा सकते हैं, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो अब देखिए मैं पालक के ढोकलों को आपको तोड़ के दिखाती हूँ अंदर से। ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं, और देखिए अंदर तक इसकी जाली बहुत ही सॉफ्ट बने हैं ये। तो आपको ये कमाल की रेसिपी कैसी लगी है ना, बहुत ही ईजी, हेल्दी और फटाफट से बनने वाली, और बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें।